हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट जो हरियाणा गवर्नमेंट हर साल जो प्रस्तुत करती है दोस्तों, और आपको ये चीफ सेक्रेटरी की साइट पर मिल भी जाएगी। दोस्तों, इस बार ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 193 यानी कि 193 पेजेस की एक रिपोर्ट है, जिसको पढ़ने में आपको तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए ये सभी के सभी पेजेस पढ़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं इन 193 पेजेस का निचोड़ आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ, और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा आपको मिलने वाला है, और MCQ की सीरीज़ भी लगातार चैनल पर चल रही है, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट में हरियाणा गवर्नमेंट हर क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ ये मंडल, जिले, तहसील, खंड, ये इनके बारे में बताकर ये रिपोर्ट होती है आर्थिक सर्वेक्षण की। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और हरियाणा जीके के बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ से आपके याद हो सकते हैं अगर आप हर साल आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को पढ़ो तो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो में पहले क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में मंडल कितने हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा कि 6 मंडल होते हैं, ठीक है। हरियाणा में कितने हैं, 6 मंडल हैं, और ज़िलों का भी आपको पता है कि ज़िले कितने हैं। ज़िले दोस्तों आपको पता है 22 हैं, ठीक है। फिर आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि तहसील कितनी है। तो दोस्तों, तहसील जो है, वैसे तो आप सभी ने बुक्स में 94 पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन इस बार की जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2022-23 की है, उसमें 95 तहसील दिखा रखी है। और ये नहीं पता कि 94 से 95 जो हुई है, वो जो 95th जो तहसील है वो कौन सी है, ये दोस्तों कहीं नहीं बताया गया। लेकिन आपको अगर पूछे वर्तमान में तहसील कितनी है, तो 95 बताओगे, और अगर बाद में आंसर गलत दिया तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में दिया गया है, ठीक है, वो आपका आंसर क्या हुआ सही साबित होगा। फिर देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि खंड कितने हैं यानी कि ब्लॉक कितने हैं, वो है 143। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उपमंडल कितने हैं, जैसे यहां पर मंडल है, मंडल के सामने आप लिखो उपमंडल, तो दोस्तों उपमंडल जो है वो है 74। फिर आपसे पूछेगा दोस्तों उप तहसील कितनी है, तो तहसील के सामने आपने याद रखनी नहीं है उप तहसील, तो उप तहसील कितनी है दोस्तों 49। पहले क्या था, ये 94 थी और उप तहसील थी 49, तो ऐसे इसको क्रॉस करके याद किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, अब ये ट्रिक नहीं चलेगी, क्योंकि अब यहाँ पर 95 हो गए हैं और अब 40 उप तहसील जो है वो 49 है और तहसील 95 हो गई है, ठीक है। खंड है 143, 143। और अगर पूछा जाए कि जिला स्तरीय खजाने कितने हैं, जिला स्तरीय खजाने, तो दोस्तों जिला स्तरीय खजाने हैं 24। और अगर आपसे पूछे कि जिला स्तरीय उप खजाने कितने हैं, उप खजाने, तो दोस्तों उप खजाने हैं 81, ठीक है। 24 और 81 ये याद रखोगे आप, 143 आप खंड याद रखोगे, और उपमंडल 6 और 74 इनको दोस्तों 80 बन जाते हैं दोस्तों, ये दोनों मिलाओगे तो, ठीक है। जिले आपको पता है 22 है। अगर आपसे पूछे कि नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम है दोस्तों प्रेजेंट में 11, ठीक है। अगर पूछे नगर परिषद कितनी है, नगर परिषद, तो नगर परिषद है दोस्तों 23। अगर आपसे पूछे कि नगर पालिका कितनी है, तो नगर पालिका है दोस्तों 56, ठीक है। और इनका सम करोगे तो ये होता 90, ठीक है दोस्तों। इनका सम करोगे तो 80 होता है, इनका सम करोगे तो 90 होता है। ये 95, 49 ये याद रखोगे, 143 ये है, 24 और 81 ये है। देखते हैं दोस्तों कुछ और आंकड़े, आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय, दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी हरियाणा में जो है 264,835, 264,835 जो रुपए हैं वो प्रति व्यक्ति यानी कि हर व्यक्ति सालाना कमा लेता है। ये जो आय है दोस्तों, ये चालू कीमत पर है, चालू कीमत पर। स्थिर कीमत पर पूछेगा तो आपने बताना है 181,961, 1,81,961 रुपये प्रति व्यक्ति, ठीक है, ये स्थिर कीमत पर है दोस्तों।
अब आप सोचोगे कि स्थिर कीमत और चालू कीमत का क्या चक्कर है। दोस्तों स्थिर कीमत का क्या चक्कर है, जो कीमत 2021 के आंकड़े आए नहीं है दोस्तों, 2011 की जो कीमतें निर्धारित हुई थी ठीक है, उन्हीं कीमतों पर जो आंकड़े अभी आ रहे हैं वो स्थिर कीमतों पर आंकड़े आ रहे हैं ठीक है। और चालू कीमत यानी कि जो चालू वर्ष है, जैसे 2023 का साल चला हुआ है या 2022 का साल था, तो उस वर्ष के दौरान जो कीमतें निर्धारित की गई है उस पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो चालू कीमतों के अकॉर्डिंग आ रहे हैं दोस्तों ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र होते हैं दोस्तों मेनली जीडीपी में, ये तीनों क्षेत्रों का योगदान होता है। तो पहले क्या होता था, कृषि क्षेत्र का योगदान ज़्यादा होता था, सबसे कम सेवा क्षेत्र का होता था और फिर बीच में उद्योग क्षेत्र का होता था। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा हो गया है हरियाणा के अंदर ठीक है, और उसके बाद उद्योग क्षेत्र का योगदान हो चुका है और जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान बहुत कम हो चुका है। तो आपने याद रखना है कि 33.2, तीन तीन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों ठीक है, और इसमें चार चार रिपीट हो रहे हैं, और तो 33.2, 49.4 और 17.4 या जुड़ेंगे कैसे, देखो चार चार और दो तभी 10 बनेगा, और इनको तीनों को जोड़ेंगे तो 100% बन जाएगा दोस्तों ठीक है। अगर ये दो याद रख लोगे कि इसमें चार चार रिपीट हो रहे हैं, इसमें तीन तीन रिपीट हो रहे हैं ठीक है, कैसे भी करके इनको याद रख लोगे, 100 में से घटाओगे तो ये वैसे ही याद हो जाएगा। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, कृषि क्षेत्र का इतना योगदान है, सेवा क्षेत्र का इतना योगदान है और उद्योग क्षेत्र का इतना योगदान है दोस्तों। दोस्तों अगर पूछा जाए कि वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो दोस्तों आपने बताना है 2.98%, ये राजकोषीय घाटा था इस बार 2022-23 का, क्योंकि 2021-22 का जो राजकोषीय घाटा था दोस्तों वो था 2.99%। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा का स्थान कौन सा है, जीएसटी कलेक्शन दोस्तों फर्स्ट प्लेस पे है हरियाणा, 6% जीएसटी कलेक्शन के साथ पूरे देश में पहले नंबर पर कौन है, हरियाणा है दोस्तों जीएसटी कलेक्शन में। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे हरको बैंक और एच एस कार डी बी बोल देते हैं इसको, हरको बोल देते हैं दोस्तों ठीक है। इनकी फुल फॉर्म आपने सर्च करके और कमेंट बॉक्स में लिखनी है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, अक्सर पूछी जाती है। इनकी स्थापना पूछी जाती है तो 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा बना दोस्तों उसी समय इनकी भी स्थापना हो गई थी हरियाणा के बनते ही ठीक है, 1 नवंबर 1966। काम क्या है ये दोस्तों, क्या है ये, लघु यानी कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है ठीक है, लघु ऋण और मध्यम ऋण ये प्रोवाइड करता है, और लॉन्ग टर्म जो लोन्स है वो ये प्रोवाइड करता है किसानों को ठीक है। दोस्तों अगर कृषि की बात करें, कृषि के बारे में क्या क्या बताया गया रिपोर्ट के अंदर, तो दोस्तों सबसे पहले तो बताया गया हरियाणा की जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो है वो कृषि है। आप सभी ने भी पढ़ा था कि रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत कम रह गया है, लेकिन फिर भी कृषि को हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दोस्तों हरियाणा गर्मियों में अत्यंत गर्म और सर्दियों में सौम्य सर्द रहता है, कैसा रहता है, सौम्य सर्द, अत्यंत गर्म और सौम्य सर्द, 45 डिग्री सेल्सियस या 113 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर पहुंच जाता है गर्मियों के अंदर, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ दोस्तों, और सर्दियों में सौम्य सर्द रहता है, निचला टेम्परेचर कितना है रिपोर्ट में नहीं दिया गया ठीक है। सबसे गर्म या ठंडे महीने पूछे जाए तो मई और जून के जो महीने हैं दोस्तों वो हरियाणा के सबसे गर्म महीने, और दिसंबर और जनवरी के महीने जो होते हैं वो हरियाणा के सबसे सर्द यानी कि सबसे ठंडे महीने रहते हैं ठीक है। इसमें एक योजना दी गई है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। दोस्तों मेरा पानी मेरी विरासत योजना में क्या कहा गया है, ये खरीफ की फसल 2020 के अनुसार मतलब शुरू की गई थी, उसके दौरान शुरू की गई थी, और खरीफ 2021 में इसमें क्या परिवर्तन हुए थे दोस्तों, खरीफ 2021 में परिवर्तन हुए थे कि प्रतिभूमि क्या हुई थी, प्रतिभूमि एक नई पहल जोड़ी गई थी 2021 में, शुरू हुई थी 2020 में, खरीफ की फसल 2020 के दौरान शुरू हुई, खरीफ 2021 में प्रतिभूमि की इसमें नई पहल शुरू की गई। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि किस फसल को हटाया गया,
तो 2021 में बाजरा की फसल को इस योजना से हटा दिया गया। बाजरा फसल को इस योजना से हटा दिया गया था दोस्तों। और फिर अगर पूछे आपसे कि खरीफ फसल, खरीफ 2022 के दौरान क्या चेंजेज हुए थे दोस्तों, पॉपुलर और नीलगिरी ये जो फसलें थी दोस्तों, इनको शामिल किया गया था। इनको क्या किया गया, इनको शामिल कर लिया गया दोस्तों इस योजना के तहत। दोस्तों इस योजना में एक और नई चीज़ क्या थी कि 7,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी अगर कोई वैकल्पिक फसल को लगाता है, किसकी जगह पर, धान की फसल की जगह पर कोई वैकल्पिक फसल लगाता है तो इतने रुपए की राशि से उसकी सहायता की जाएगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दलहन व तिलहन की फसल लगाने हेतु कितनी सहायता की जाएगी दोस्तों, 4,000 रुपये प्रति एकड़, और उसमें 7,000 रुपये प्रति एकड़। साथ साथ अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज अगर पूछे आपसे तो ये किससे रिलेटेड है, सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज दोस्तों, ये रिलेटेड है जल भराव लवणीय भूमि और भूमि सुधार तकनीक। इससे रिलेटेड है सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज। एक और योजना पूछी जाती है डायरेक्ट सीडेड राइस, ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, भूमि और जल के जो संसाधन है उनको बचाने के लिए तकनीक है डायरेक्ट सीडेड राइस। किस किस को, एक तो भूमि को और एक जल को बचाने हेतु ये भी एक तकनीक है। तो दोस्तों सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज ये तकनीक पूछ जाए तो जल भराव, लवणीय भूमि, भूमि सुधार, डायरेक्ट सीडेड राइस अगर ये तकनीक पूछ जाए तो भूमि और जल संसाधनों से बचाव के लिए, दोनों ये तकनीक है और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दोनों तकनीक दी गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए कि जो भावांतर भरपाई योजना BBY, भावांतर भरपाई योजना दोस्तों कब शुरू की गई थी, 1-1-2018 को, ठीक है, कई जगह पर 31-12-2017 भी दे दिया जाता है, लेकिन इसकी सही डेट क्या है, 1-1-2018 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई है दोस्तों। इसमें कितनी फसलें शामिल की गई है भावांतर भरपाई योजना में, पहले 21 फसल थी, इस रिपोर्ट में दी गई है कि 26 और फसल ऐड करके 47 फसल इसके अंदर हो चुकी है भावांतर भरपाई योजना के अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे है दोस्तों, करनाल के अंदर है, ठीक है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के अंदर है। अगर आपसे पूछे कि CM बागवानी बीमा योजना, तो CM बागवानी बीमा योजना शुरू की गई दोस्तों 1-1-2021। अब देखिए 1-1-2021 यहाँ पर है, 1-1-2018 यहाँ पे है, यानी कि इसके 3 साल के बाद, ठीक है, दोनों ही की स्कीमों को एक साथ याद रखोगे, भावांतर भरपाई योजना 1-1-18, CM बागवानी बीमा योजना 1-1-21, 3 साल का गैप है, दोनों एक साथ याद हो जाएगी। कुछ और चीज़ें देख लेते, जैसे जो हरियाणा का जो ब्रांड निकाला है दोस्तों हरियाणा सरकार ने बीज के लिए, तो वो क्या है, हरियाणा बीज के नाम से ब्रांड निकाला है बीज का, ठीक है, हरियाणा बीज के नाम से ब्रांड आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑक्सीवन अगर पूछे हरियाणा में ऑक्सीवन कितने हैं, तो हरियाणा में 34 ऑक्सीवन है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रदूषण हॉटस्पॉट कितने हैं दोस्तों 24 प्रदूषण हॉटस्पॉट है, 34 ऑक्सीवन है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन कब शुरू की गई ये योजना दोस्तों, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पे ये जुलाई 2020 में शुरू की गई थी, लेकिन अगर आपसे पूछे हरियाणा मधुमक्खी
पालन नीति कब लागू की गई? तो हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति लागू की गई दोस्तों 2021 में, ठीक है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि एकीकृत, अब दोस्तों यदि मधुमक्खी पालन नीति लगाई है तो एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र भी बनाना पड़ेगा। तो एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र जो बनाया है वो कहाँ पर बनाया है दोस्तों? KKR यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं कि 81% जो भूमि है ना, हरियाणा की 81% भूमि कृषि क्षेत्र के अधीन है। किसके अधीन है? कृषि क्षेत्र के अधीन है। अब दोस्तों 81% जो भूमि है वो कृषि क्षेत्र के अधीन है, इसलिए तो राज्य में वन जो है वो सबसे कम है। सभी राज्यों में सबसे कम वन कहाँ पे? हरियाणा में। कितने प्रतिशत है दोस्तों? 7.16% ही हरियाणा के अंदर वन है, ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। साथ ही अगर आपसे पूछे कि नेचर ट्रेल है दोस्तों, ये ट्रेन नहीं है, नेचर ट्रेल का शुभारंभ कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो ये कालका से कलेश्वर 150 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर नेचर ट्रेल का शुभारंभ किया गया है, हैफेड। और हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, ठीक है, हरियाणा राज्य भंडार, हरियाणा राज्य भंडारण निगम, ठीक है, इनकी स्थापना वर्ष बताया गया है दोस्तों इसमें क्या कब कब हुई थी। तो हैफेड की स्थापना 1 नवंबर 1966 हरियाणा के बनते ही हैफेड की भी स्थापना हुई थी दोस्तों। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड तो 1 अगस्त 1969, ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो ये जो 1966 वाले क्वेश्चन है तो ये तो ज़्यादातर याद रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर याद करने योग्य ये है कि 1969 में 1 अगस्त 1969। अगर पूछा जाए हरियाणा राज्य भंडारण निगम, तो हरियाणा राज्य भंडारण निगम की स्थापना हुई दोस्तों 1/11 यानी कि 1 नवंबर 1967। यहाँ पर देखिए 1966 है, 1969 है, यहाँ पे 1967 है, 1 नवंबर है, एक साल के बाद भंडारण निगम की भी स्थापना हो गई दोस्तों। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में वर्तमान में गोदाम की संख्या कितनी है, हरियाणा में जो गोदाम की संख्या कितनी है वर्तमान में, ठीक है, तो 113 गोदाम की संख्या है वर्तमान में हरियाणा के अंदर, ये भी आपने याद रखना है दोस्तों। साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फूल मंडी कहाँ पर बनेगी दोस्तों, ठीक है, फूल मंडी बनेगी गुरुग्राम में, कहाँ पर? गुरुग्राम में बनेगी फूल मंडी दोस्तों। सूखे मेवे और मसाला मंडी, कौन से? सूखे मेवे और मसाला मंडी, सूखे मेवे मसाला मंडी सिरसा सोनीपत दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनाज मंडी कहाँ पर बनेगी नई, अनाज मंडी, तो अनाज मंडी बनेगी एलनाबाद सिरसा कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है दोस्तों एलनाबाद, तो एलनाबाद में बनेगी अनाज मंडी। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी ये कहाँ बनेगी दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनेगी गन्नौर में, गन्नौर कहाँ पे है? सोनीपत में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 4-5 क्वेश्चन आपने ये भी याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेब, सब्जी, फल, ये तीनों की मंडी कहाँ पर बनेगी, तो फिर बनेगी पिंजौर में, ठीक है। तो ये पिंजौर वाला क्वेश्चन, गुरुग्राम, सिरसा सोनीपत, इलाहाबाद सिरसा और गन्नौर सोनीपत दोस्तों, ये 5 के 5 क्वेश्चन आपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा इलेक्ट्रिकल वाहन नीति, हरियाणा इलेक्ट्रिकल वाहन नीति दोस्तों ये कब लागू की गई है? 8/7/2022 को इलेक्ट्रिकल
हरियाणा इलेक्ट्रिकल वाहन नीति घोषित की गई है। इसका जो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, वो बनेगा EV30@30 अभियान किससे रिलेटेड है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्या कि EV30@30 ये जो अभियान है ये किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों ये अभियान है कि 2030 तक 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तब्दील करने का प्लान है हरियाणा सरकार का, ठीक है, कि जितने भी व्हीकल हैं ना उसको 2030 तक 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल हरियाणा में चलने चाहिए। इसके और क्या क्या मोटो है दोस्तों, वो व्हीकल की बिक्री करना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बिक्री करना, स्वच्छ परिवहन का निर्माण करना, बैटरी का निर्माण करना, ठीक है, रोजगार में अवसर पैदा करना, व्यापक व सुलभ चार्जिंग स्टेशन और एंड टू एंड पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, EV30@30 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपने याद रख लेना है दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि पोलिएस्टर चिप्स, तो पोलिएस्टर चिप्स का निर्माण कहाँ पर होगा दोस्तों, पानीपत के अंदर। कौन बनाएगा, यूफ्लेक्स लिमिटेड परियोजना के तहत, ये पॉलिएस्टर चिप्स का निर्माण होगा कहाँ पर दोस्तों, पानीपत के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ पॉलीफिल्म, तो दोस्तों स्वच्छ पॉलीफिल्म का निर्माण कहाँ पर होगा, वो होगा आईएमटी रोहतक में स्वच्छ पॉलीफिल्म का निर्माण होगा, ठीक है। ये किस लिए होता है दोस्तों, किस लिए काम आएंगे स्वच्छ पॉलीफिल्म, दूध और दूध के उत्पाद को पैक करने के लिए, ठीक है, पॉलिएस्टर चिप्स और स्वच्छ पॉलीफिल्म। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों साथ साथ कि फुटवियर क्लस्टर, तो फुटवियर क्लस्टर भी यहीं पे IMT रोहतक में। और आपसे पूछा जाए कि मोटरसाइकिल इनका निर्माण कहाँ पर होगा, फिर आंसर देना है दोस्तों IMT खरखुद्दा, ठीक है, सोनीपत में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है दोस्तों। तो क्या है मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटरसाइकिल कहाँ पर, IMT खरखुद्दा में। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे कि ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पर लगाया गया है दोस्तों। ऑक्सीजन प्लांट अगर पूछे तो हिसार में, पहले यह H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लांट था, और कोविड वगैरह की जो प्रॉब्लम आई थी तो उसमें इस प्लांट को किस में बदल दिया, ऑक्सीजन प्लांट में बदल दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पीएम कुसुम जो योजना है वो किससे संबंधित है, ये भी इस रिपोर्ट में है, तो सोलर पंप, किससे रिलेटेड बताओगे आप, सोलर पंप से रिलेटेड है पीएम कुसुम योजना, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अगर, तो हरियाणा में बसों का बेड़ा कितने का है दोस्तों, बसों का बेड़ा 4500 का, अटल सेवा केंद्र क्या है, अटल सेवा केंद्र ये पूछे गए थे दोस्तों एक एग्जाम में कि अटल सेवा केंद्र की संख्या कितनी है हरियाणा के अंदर, तो इस समय 22500 अटल सेवा केंद्र की संख्या है। अगर ग्रामीण में देखें तो ग्रामीण में 15,639 है, और शहर में 6861 जो है वो अटल सेवा केंद्र है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जैसे मिड डे मील से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिड डे मील से क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि इसमें 20 व्यंजन कर दिए गए हैं बढ़ाकर, ठीक है, बच्चों के लिए 20 व्यंजन कर दिए गए हैं, और कैलोरीज भी इनकी बढ़ा दी गई है, जैसे 12 ग्राम प्रोटीन जो है प्राथमिक बच्चों के लिए और 20 ग्राम प्रोटीन जो है वो सीनियर बच्चों के लिए कर दिए गए हैं दोस्तों। सेहत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था 5/9/2022 को, ठीक है। ये रिलेटेड किससे है दोस्तों कि जैसे बच्चों का क्या, ये रिलेटेड किससे है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन और वजन
हाइट, ठीक है, विजन और दांत यानी कि डेंटल, ठीक है, इन सभी की जांच के से रिलेटेड है सेहत कार्यक्रम। किसने शुरू किया था दोस्तों? ये राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल ने इसका शुभारंभ किया था, ठीक है, हरियाणा सरकार की योजना है। दूसरी योजना है दोस्तों ज्योतिर्गम्य, ज्योतिर्गम्य कार्यक्रम, ज्योतिर्गम्य कार्यक्रम। दोस्तों ये कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया है? पंचकुला से शुरू किया गया है, पंचकुला के रेड बिशप से ये शुरू किया गया है। और इसका जो थीम क्या है दोस्तों, इसकी अर्न और लर्न, अर्न एंड लर्न यानी कि सीखो और कमाओ, रोजगार से रिलेटेड है। और ये कब शुरू की गई दोस्तों? 23/8/22 को ये शुरू की गई है। कुछ और योजनाओं की बात करें दोस्तों तो कौन सी है? एक है निरोगी, निरोगी हरियाणा, ठीक है, ये कब शुरू की गई है दोस्तों? ये शुरू की है 29 नवंबर, 29/11/2022 को, ये 5/9/22 को, ये 29/11/22 को, निरोगी हरियाणा कुरुक्षेत्र से। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको किसने शुरू किया गया है? कुरुक्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, निरोगी हरियाणा से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी जो एक और योजना है वो है चिरायु, चिरायु योजना से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? 21/11/2022 से ये शुरू की गई है, देखो 21/11 और 29/11 यानी कि दोनों नवंबर के महीने में ही शुरू हो रही है, चिरायु और निरोगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, ये किसके लिए है? अंत्योदय इकाई के लिए, और ये आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड है दोस्तों। आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए थे जो, उनसे रिलेटेड है, ठीक है, कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 11 है दोस्तों, शहरी, शहरी स्वास्थ्य केंद्र। जिला सिविल अस्पताल, अगर आपसे पूछे कि जिला सिविल अस्पताल कितने हैं, तो जिला सिविल अस्पताल है दोस्तों 22, हर जिले में एक है तो डबल कर दिया आपने, ठीक है। अगर आपसे पूछे सिविल डिस्पेंसरी, सिविल डिस्पेंसरी, तो दोस्तों सिविल डिस्पेंसरी कितनी है? 33, 11, 22 और 33, ऐसे इसको याद रखोगे। नवजात शिशु इकाई के अंदर कितनी है वो 66 आप याद कर सकते हो, ठीक है, तो इनको आप क्या है चारों के चारों को याद रख लेना दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सीएम मुफ्त इलाज योजना, सीएम मुफ्त इलाज योजना, और एक बनती है ई संजीवनी, ई संजीवनी दोस्तों। ई संजीवनी में क्या है कि जो ओपीडी है वो क्या होगा? स्टे होम ओपीडी यानी कि घर से ही ओपीडी करवा सकते हैं। ये कब लागू की गई थी? एक ई संजीवनी 1/5/21 में, मई, क्या होता है दोस्तों मई, मई में आप ई यानी कि ई संजीवनी मई में लागू हुई थी। और सीएम मुफ्त इलाज योजना 7 प्रकार की इसमें बीमारी कवर की जानी है दोस्तों। कौन सी? जैसे सर्जरी हो गया, ठीक है, कोई टेस्ट वगैरह, एक्सरे वगैरह हो गए, ये 7 प्रकार के। इसमें क्या पूछा जाएगा कि सीएम मुफ्त इलाज योजना में कितने प्रकार की बीमारी या टेस्टों को कवर किया गया? तो 7 प्रकार के। ई संजीवनी की डेट पूछी जा सकती है मई में, और ये क्या है? इसका मेन आपने याद रखना है स्टे होम ओपीडी।